अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, पार्ट नंबर फर्स्ट 7x-42। तो हमें इन एक्सप्रेशंस का क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। तो पार्ट नंबर फर्स्ट आपके पास है 7x-42। जिस तरह आपने पहले इस क्वेश्चन में किया था, तो हमने उस वक्त आपको दिखाया था अलग अलग, यानी कि टर्म को इस तरह लिखा था 7 = 7 × x। अब आपके पास है -42, इसको आप रख लीजिए माइनस, ठीक है ना, ब्रैकेट में, फिर 2 × 3 × 7, 2 × 3 = 6, 6 × 7 = 42। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, 7x के फैक्टर्स ये हैं और -42 के फैक्टर्स ये हैं। अब जो मैंने सर्कल किया, इस सर्कल और इस सर्कल में क्या एक जैसा आपको दिखता है? 7 है ना एक जैसा। तो अगर आप इसको 7 यहां से हटाओगे, यहां से भी हटा दो, तो आप बताइए ऊपर क्या रहा आपके पास x, और नीचे क्या रहा -2 × 3, वो कितना हो गया 2 × 3 = 6, यानी कि आपके पास बचा यहां पे x, नीचे 2 × 3 = 6, ये आपके पास बचा। लेकिन जब आपने क्या हटाया था 7, ये हटाना यहां पे मैंने जो दिखा दिया, ये इसी को हम कहते हैं कॉमन फैक्टर बाहर रखना। क्या रखना बाहर? कॉमन फैक्टर। इसमें और इसमें कॉमन क्या था? 7 था। तो कौन सा फैक्टर इनका कॉमन था? 7। तो हम लिखेंगे फिर इसको 7 आप बाहर, या पहला पार्ट आप इसी तरह कीजिए, 7 × x - फिर रखते हैं 2 × 3 × 7, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब आप इसमें और इसमें जो कॉमन आपको दिखता है वो बताइए क्या है? 7 कॉमन है, तो 7 हम बाहर रखेंगे। यहां पे आपके पास रहा x, ये इंटू लिखने की यहां पे जरूरत नहीं होती है। उसके बाद क्या है? -7, जब आपने यहां से कॉमन लिया तो यहां बचा फिर 2 × 3, वो हो गया 6। तो 7x-42 को जब मैंने फैक्टराइज किया तो मेरे पास आंसर आया 7 × x - 6। ये पार्ट नंबर फर्स्ट था। अब हम करेंगे पार्ट नंबर सेकंड इसका। पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। 6p - 12q, 6p - 12q, इसी तरह करेंगे हम इसको, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 2 × 3 = हो गया 6, इंटू 7 में p है, उसके बाद माइनस है, ठीक है ना, तो माइनस वाले को ब्रैकेट में रख लीजिए। 12 के फैक्टर्स निकालिए, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = हो गया 12 इंटू क्यू, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब बताइए आप इस टर्म और इस टर्म में क्या एक जैसा आपको दिखता है? 2 है, ठीक है, लिख दिया 2, टिक करते हैं इसको। 3 इसमें है, इसमें है, हाँ इसमें भी है, तो इसका मतलब इंटू 3 भी कॉमन है इसको। और कोई चीज कॉमन है? नहीं है। यहां पे क्या बचा आपके पास? फिर p बचा, तो इसको ब्रैकेट में रख लीजिए p। फिर यहां पे माइनस है, यहां पे क्या बचा आपके पास? 2 और q, 2 × q बनता है 2q। तो जब 6p - 12q को मैंने फैक्टराइज किया तो इस तरह मेरे पास आया। अब इनको जरब कीजिए, 2 × 3 = बनता है 6p - 2q। तो इसमें और इसमें जो कॉमन फैक्टर था वो क्या था? 6, वही मैंने बाहर रख दिया। डायरेक्ट भी कोई कर सकता है, उसको समझ में आ जाएगा कि 6 को 6 से डिवाइड होता है और 12 को भी 6 से डिवाइड होता है। तो इस लिहाज से जो हाईएस्ट फैक्टर है, जो इनमें कॉमन है, वो क्या है? 6 है, जो दोनों को डिवाइड करता है। तो जब हमने इसको फैक्टराइज किया, ये आंसर आया, ठीक है ना। पार्ट नंबर थर्ड 7a² + 14a, 7a² + 14a, 7a² का मतलब है 7 × a × a, क्योंकि ये दो बार जरब है। उसके बाद प्लस है, 14 के बदले लिखेंगे हम 2 × 7 × a। अब
इस लाइन पे और इस लाइन पे क्या एक जैसा है, उसको बाहर रख लीजिए। सेवन है, बिल्कुल टिक डालते हैं हम। उसके बाद ए है, सेवन इंटू ए इसमें कॉमन, यहां पे क्या बचा ए, बीच में साइन क्या है प्लस है, फिर यहां पे क्या बचा टू, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, ठीक है ना। अब टिक रखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था, ठीक है। तो सेवन इंटू ए क्या बना आपके पास, सेवन ए, सेवन इंटू ए क्या हो गया, सेवन ए, सेवन ए। तो फाइव इंटू एक्स क्या बनेगा, फिर फाइव एक्स, एक्स इंटू वाई क्या बनेगा, एक्स वाई, ठीक है ना। थ्री इंटू जेड क्या बनेगा, थ्री जेड। तो सेवन इंटू ए क्या बन गया, सेवन ए। फिर यहां पे क्या रहा आपके पास ब्रैकेट में, ए प्लस टू, ब्रैकेट क्लोज, ए प्लस टू। तो जब हमने सेवन ए स्क्वेयर प्लस 14a को फैक्टराइज किया तो ये फैक्टर्स आए इसके, 7a ये भी इसका फैक्टर है, a प्लस टू ये भी इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब यानी कि 7a से ये एक्सप्रेशन डिवाइड होती है और a प्लस टू से भी ये एक्सप्रेशन डिवाइड होगी। इसी तरह 7 से ये एक्सप्रेशन डिवाइड होगी और दूसरा फैक्टर हमारे पास है x माइनस सिक्स, इस x माइनस सिक्स से भी ये फ्रैक्शन डिवाइड होगी, ये एक्सप्रेशन डिवाइड होगी, ठीक है ना। पार्ट नंबर थर्ड मैंने कर दिया, इसमें जो बाकी पार्ट हैं आपके पास ये आपके लिए होमवर्क है, ये घर में करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।